हेलो एंड वेलकम बैक। अब डिस्कस करते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। सबसे पहला ब्लैंक है अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड। अब जो पर्सन बिल ड्रॉ करता है उसे हम कहते हैं ड्रॉवर। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड द ड्रॉवर। सेकेंड, एन डैश इज एन एजेंट हु सेल्स द गुड्स बाय ऑक्शन। अब यहाँ क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया हुआ है। सो एन डैश इज एन एजेंट हु सेल्स द गुड्स बाय ऑक्शन। द आंसर इज, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, द पर्सन और द एजेंट इज कॉल्ड द ऑक्शनियर। सो द ऑक्शनियर इज एन एजेंट हु सेल्स द गुड्स बाय ऑक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द डैश प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन द, यू नो दैट इट इज द लिस्ट प्राइस और द मार्केट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 4, द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड डैश डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट को हम कमर्शियल डिस्काउंट भी कहते हैं। दूसरा नाम बैंकर्स डिस्काउंट का क्या है? कमर्शियल डिस्काउंट। सो बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कमर्शियल डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 5, बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज डैश द ट्रू डिस्काउंट। अब देखिए, बैंकर्स डिस्काउंट हम हमेशा देते हैं फेस वैल्यू पर एंड ट्रू डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू पर। फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू, राइट? सो बैंकर्स डिस्काउंट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन द ट्रू डिस्काउंट। तो इसका आंसर आएगा, द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ट्रू डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड द ट्रू डिस्काउंट, ये जो डिफरेंस है इसे हम कहते हैं बैंकर्स गेन। सो द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट and true discount is called the banker's gain. Question number 7, the date by which the buyer is legally allowed to pay the amount is known as, ab again question mein hi iska answer hai, to is date ko hum bolte hain legal due date ya LDD. So this legal date is called as the legal due date. Question number 8, a dash is an agent who brings the buyer and the seller together. तो ऐसे हम एजेंट को क्या बोलते हैं? ब्रोकर। तो ब्रोकर क्या करता है? बायर एंड सेलर दोनों पार्टीज को साथ में लाता है और उसे कमीशन मिलता है फ्रॉम द बायर एज वेल एज फ्रॉम द सेलर, जिसे हम कहते हैं ब्रोकरेज। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द बायर इज अलाउड बोथ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट्स, डैश डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन डैश प्राइस। देखिए, पहले होता है लिस्ट प्राइस, इस पर हम देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, फिर आता है इनवॉइस प्राइस, इस पर हम कैलकुलेट करते हैं कैश डिस्काउंट, और आखिर में आता है नेट सेलिंग प्राइस। तो यहां पूछा गया डैश डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन डैश प्राइस। पहला डिस्काउंट कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पर आंसर आएगा, ट्रेड डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन, अब ट्रेड डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट हो रहा है? लिस्ट प्राइस पर। तो यहां पर आंसर आएगा लिस्ट प्राइस। सो ट्रेड डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट गिव्स द इनवॉइस प्राइस। तो यहां पर आंसर आएगा इनवॉइस प्राइस। सो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस द ट्रेड डिस्काउंट।